नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। अवैध खनन माफियाओं पर उपजिलाधिकारी के आदेश पर कंपिल पुलिस ने कसा शिकंजा। एक जेसीबी एक ट्रैक्टर खोंचा को किया सीज। कंपिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत खनन माफियाओं का बोलबाला था। पिछले कई दिनों से खनन माफिया अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे थे। लगभग 300-400 ट्राली का खनन प्रतिदिन होता था, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी। पिछले दिन थाना दिवस में उपजिलाधिकारी महोदय से इसकी शिकायत की गई। उपजिलाधिकारी महोदय ने कंपिल थाना प्रभारी राजेंद्र विक्रम सिंह को निर्देशित किया, अवैध रूप से खनन हो रहा है, इसके विरोध अभियान चलाया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। किसी को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी राजेंद्र विक्रम सिंह ने अपने साथ दरोगा कृपाशंकर पांचाल, दरोगा मंगल सिंह, सिपाही राम कुमार, राजन नायक हरवीर को अपने साथ लेकर लोदीपुर के पास सूचना के आधार पर दबिश दी। मौके पर अवैध रूप से मिट्टी का खनन करते हुए चार ट्रैक्टर व एक जेसीबी को पकड़ लिया और खनन अधिकारी राजीव रंजन ने मौके पर आकर चारों ट्रैक्टर एक जेसीबी सहित खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। वहीं आज भी कंपिल पुलिस ने कंपिल सूत मिल के पास अवैध रूप से मिट्टी का खनन हो रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही कंपिल पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। इन सब के विरुद्ध खनन अधिकारी ने अवैध खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। कंपिल के सहयोग से जो है चार ट्रैक्टर और एक जेसीबी जो है पकड़कर उसको थाने सीज की गई है और उस पर जो है खनन अधिनियमों एवं एमपी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सर, ये ट्रैक्टर बरामद कहाँ से हुई थी? सर, कहाँ से? लोधीपुर गांव कंपिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी, वहीं से ट्रैक्टर जो है पुलिस टीम के सहयोग से पकड़ कर लाई गई है। क्या बजे के टाइम? सर, लगभग जो है शाम का समय था जी, 5-6 के लगभग जो है। थैंक यू।